गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. सो टुडे इज अगेन योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. बच्चे, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये कंपैरिजन है. बच्चे, ये आपकी बुक में नहीं है, बट ये फिर भी मैं आपको ये करवा रही हूँ. इस पैसेज को आपने जो है अच्छे से रीड करना है, और नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं बच्चे, आपने उसके आंसर्स देने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज गिवन बिलो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड पैसेज को जो है अच्छे से हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. शी इज सानिया. ये सानिया है. शी इज सिक्स ईयर्स ओल्ड. सानिया कितने साल की है बच्चे? शी इज सिक्स ईयर्स ओल्ड. ओके, शी लिव्स नियर द मार्केट. सानिया कहाँ रहती है बेटे? वो नियर द मार्केट यानी कि मार्केट के पास रहती है. हर फादर इज अ टीचर. और उसके पापा क्या करते हैं? उसके फादर क्या है बेटे? एक टीचर हैं. हर मदर इज अ डॉक्टर. और उसकी मदर क्या है बेटे? एक डॉक्टर हैं. हर फादर इज़ वेरी टॉल. टॉल, टी ए डबल एल, टॉल का बेटे मीनिंग होता है लंबा. ठीक है, उसके पापा क्या है बेटा? लंबे हैं यानी कि उनकी हाइट अच्छी है. ही टीचेस सानिया टू राइड अ बाईसाइकिल. और वो, उनकी हाइट अच्छी है तो वो जो है सानिया को जो है बाईसाइकिल यानी कि साइकिल चलाना सिखाते हैं. सानिया हैज़ नो ब्रदर और सिस्टर. सानिया का ना तो कोई भाई है और ना ही कोई सिस्टर है. दे हैव अ पैरट नेम्ड पर्ल. और सानिया के पास क्या है बेटा? उनके पास एक पैरट है, और पैरट का नेम जो है उसका उन्होंने नेम रखा हुआ है पर्ल, पी ई ए आर एल, पर्ल. ही हैज़ अ रेड बीक. बीक का मतलब होता है बेटा बी ई ए के, यानी कि जो हाँ बर्ड्स होते हैं ना बेटा, वो किससे खाना खाते हैं? वो अपनी चोंच से खाना खाते हैं, तो चोंच को हम बेटा बीक कहते हैं. ठीक है, जो पैरट की जो बीक है वो कौन सी है? रेड कलर की है. एंड ब्राइट ग्रीन फैदर्स. और उसके जो फैदर्स यानी कि उसके जो पंख हैं वो ब्राइट हैं यानी कि सुंदर डार्क ग्रीन कलर के हैं. He loves to eat fruit. He किसके लिए यूज़ किया गया है? यानी कि पैरट. पैरट को क्या खाना पसंद है बेटा? फ्रूट्स खाने पसंद है. ओके, सो बच्चे यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, अब हम उनका आंसर देंगे. बच्चे, आपको ये पैसे समझ में आ गया ना कि सानिया है वो सिक्स ईयर्स की है, वो मार्केट के पास रहती है, उसके फादर टीचर हैं और उसकी मदर क्या है? डॉक्टर हैं. सानिया के फादर उसे जो है बाईसाइकिल चलाना सिखाते हैं. सानिया का ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, पर लेकिन सानिया के पास एक पैरट है और उसका नेम है पर्ल. और उसकी जो उसका जो पैरट है उसकी जो बीक है बेटे वो रेड कलर की है, और उसे जो है फ्रूट्स खाना पसंद है. किसको खाना पसंद है? सानिया को या फिर पैरट को? पैरट को. पैरट यानी कि पर्ल उसका नेम है, उसको फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे लगते हैं. अब समझ आया बच्चे? अब हम इसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं. आंसर द दीज क्वेश्चंस ब्रीफली. वेयर इज सानियाज हाउस. कहाँ है बच्चे सानिया का हाउस? कहाँ रहती है? यस, सानियाज हाउस इज नियर द मार्केट. उसका हाउस कहाँ है? मार्केट के पास है. What does her father do? उसके फादर क्या करते हैं? Her father is a teacher. What is the name of Sania's pet? Pet बेटा उसे कहा जाता है जो घर में अपने शौक के लिए जो एनिमल्स रखे जाते हैं ना, अपनी हॉबी के लिए हम रखते हैं उनको बेटे हम पेट एनिमल्स कहते हैं. तो उन्होंने कौन सा पैरट रखा हुआ था ना, तो पैरट का नेम क्या था बेटे? पर्ल. What does he eat? क्या खाता था वो पर्ल बेटे? फ्रूट्स खाता था. ओके, सो उसके बाद बच्चे कंप्लीट दी सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको जो है पैसेज में से देखकर ही जो है बेटे इनके आपको आंसर्स देने हैं, यानी कि हाफ ऑफ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके, सानियाज मदर इज़ अ. सो सानिया के मदर क्या है? सानियाज मदर इज़ अ डॉक्टर. हर फादर टीचेस हर.
उसके फादर उसे क्या सिखाते हैं सानिया का? टू राइड अ बाइसाइकिल। ओके, सानिया डज नॉट हैव, सानिया के पास क्या नहीं था? ब्रदर और सिस्टर। वेरी गुड। पर्ल्स बीक इज, अच्छा पर्ल की जो बीक क्या थी बेटा, कैसी थी वो? रेड कलर की थी। वेरी गुड बच्चे। ओके बच्चे, नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो है नेक्स्ट जो है आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, आपको उसके आंसर्स देने हैं बच्चे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज योर नेम? यहाँ पर बच्चे आप अपना नेम लिखोगे। ओके, माय नेम इज, जो भी है आपका नेम। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? इसका आंसर आप खुद फिल करोगे, आप कितने ईयर्स के हो, 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, तो आप वहाँ फिल। ओके, वेयर डू यू लिव, अब आप यहाँ पर कहाँ रहते हो? पीलीभंगा में हो तो आप पीलीभंगा लिखोगे। ओके, अगर आप किसी गांव से हो तो आप उस गांव का नेम लिखोगे। ओके बच्चे, विच स्कूल डू यू गो टू, अच्छा अब आप कौन से स्कूल जाते हो बेटे? कौन सा, क्या नेम है हमारे स्कूल का? जीनियस लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। डू यू हैव ब्रदर और अ सिस्टर, अगर आपका कोई भाई है तो आप, भाई बहन है तो उसके लिए आप यस लिखोगे, अगर नहीं है तो आप नो लिख दोगे। आई नो बेटे, वैसे सभी के भाई बहन हैं। ओके, राइट टू कॉमन नाउन्स, अच्छा बच्चे कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी इन अ फर्स्ट सेमेस्टर। सो कॉमन नाउन बच्चे वो होते हैं, ठीक है, जो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली सबके लिए यूज़ होते हैं, पर लेकिन हमें इस पैसेज में से देखने हैं कि कॉमन नाउन्स कौन से हैं। ओके, फादर, मदर, डॉक्टर, टीचर, है ना, ये क्या है बेटे? ये कॉमन नाउन है, ठीक है बच्चे। अच्छा, प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो नेम हो किसी का, प्रॉपर नेम हो। अच्छा, जैसे आपका नेम हो गया, मेरा नेम हो गया, इसी तरीके से अगर हम पैसेज में से अगर हमें इन्होंने ढूंढने के लिए कहा है तो कौन कौन से हैं? सानिया, ठीक है, और क्या है? पर्ल, यानी कि पैरट का नेम था ना पर्ल, वो ये जो है पर्ल, और जो सानिया का जो फर्स्ट लेटर है बेटे वो कैपिटल आएगा। ओके, प्रॉपर नाउन, क्योंकि बच्चे हमेशा उनका जो फर्स्ट लेटर है बेटे वो कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, और जो दूसरे होते हैं बेटे कॉमन नाउन उनका जो है हम जो है फर्स्ट लेटर हम स्मॉल ही लिखते हैं, बट अब जब हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तब आप सेंटेंस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जो है वो उसे भी हम कैपिटल लिख सकते हैं। ओके बच्चे, सो ये था आज का आपका टॉपिक, ये बच्चे आपने अपनी नोटबुक में करना है और आपने इसे जो है अच्छे से रीड करके इसके आंसर्स आपने खुद करने हैं। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चे।